89 हाउस रेंट अलाउंस, 1000 मेडिकल अलाउंस, टोटल सैलरी 2,12,030 रुपए, जो कि अब बढ़कर 2,16,030 हो गई है। उसके बाद भी मैं काम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि तो इसकी एक लिमिट है, इसकी एक लिमिट है, 2 लाख 3 लाख आ जाएगी, 5 लाख 10 लाख 20 लाख कभी नहीं आ सकती। क्लियर? और उससे भी बड़ी बात, ये मुझे ही आ रही है, मेरी एजुकेशन के कारण आ रही है, लेकिन परिवार को इसका कोई बेनिफिट मैं नहीं दे सकता, पास हो नहीं कर सकता अपने बेटे को, पेंशन बंद हो चुकी है गवर्नमेंट जॉब में, राइट? लेकिन इस प्लेटफॉर्म की बदौलत 5.5 साल जो मैंने मेहनत की, उसका बेनिफिट मैं अपने बेटे को दे पाया। 3 लाख प्लस की इनकम एक बीकॉम स्टूडेंट होते हुए यदि किसी बच्चे को दे पा रहे हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। और अभी तो शुरुआत है, 5 साल में तो काम शुरू होता है, असली खेल तो होना है अभी। समझ आ रही है? मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाने के लिए ये कागज दिखा रहा हूं, सीधा बता भी सकता था लेकिन एक एक को मैं दिखा नहीं सकता, इसलिए प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, ताकि आपको ये फेथ हो कि यदि इस प्रोफाइल से भी लोग इतनी सीरियसली इस काम को कर रहे हैं। मेरा इस बिजनेस में आते समय जो गोल था कि गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए एक उद्योगपति के नाते रिटायर होना है, इंडस्ट्रियलिस्ट। किसे बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट? जिसके लिए हजारों लोग काम करें उसे इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं। लेकिन यहां क्या खूबी है, यदि आप आज इंडस्ट्री लगाना चाहें तो करोड़ों लगाना पड़ेगा, गारंटी है चल जाएगा, घाटा भी हो सकता है। नॉलेज चाहिए, तजुर्बा चाहिए, उसके बाद भी घाटा हो सकता है, लेकिन यहां क्या 1 रुपए का भी नुकसान हो सकता है? नुकसान ना होने की गारंटी, शानदार इनकम का चांस। मुझे आ रहा तो आपको भी आ सकता है, सीखना पड़ेगा, मैं तैयार हूं ना, क्यों नहीं आएगा? आपको आएगा तो मुझे भड़कर आएगा, क्यों नहीं सिखाऊंगा भाई? क्लियर हुई बात? दूसरी बात, जो भी काम आज आप कर रहे हो उसके साथ साथ शुरू हो सकता है, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, हर आदमी के पास 4-5 घंटे का समय होता है जो कि ड्यूटी आवर्स के बाद वो कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है टाइम का, अखबार पढ़ने में, टीवी देखने में, गप्पे मारने में, इधर उधर ताश खेलने में, उस समय को मैनेज करना है इसका। आज के 3-4 घंटे आने वाले समय के हजारों घंटे हो सकते हैं आपके। मैंने भी ऐसी शुरुआत की, आज यदि 1,000 लोग मेरे साथ इस काम को पार्ट टाइम भी करते हैं और मात्र 4 घंटा इन्वेस्ट करते हैं तो 4,000 घंटे एक दिन में काम होता है। लगी क्या नहीं लगी इंडस्ट्री? क्या मुझे किसी को सैलरी देनी है? क्या मैंने पैसा इन्वेस्ट किया? हर किसी ने पैसा अपना लगाया, उसे मार्गदर्शन देना है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, उसके साथ फील्ड में उसको सपोर्ट करना है, उसे भी पैसा आएगा उसका 4,500%, मुझे ही नहीं मेरी साथ कुछ तो आएगा। सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए? अभी 2.5 साल रहते हैं रिटायरमेंट के, रिटायरमेंट तक दोस्तों 5 लाख से ज्यादा महीने का आ रहा होगा, आपके पास है ऐसा कोई रास्ता? सीखो। सबसे बड़ी बात, टिके रहो और ऐसे मौके जब भी मिले पैसे की परवाह ना करो। व्यापार है, कुछ डालोगे तो कुछ निकालोगे, घर पे बैठे बिठाई नहीं मिलता कोई, कामयाब लोग आपके घर नहीं आएंगे, आपको चल के जाना होगा। मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको यहां से मिल क्या सकता है, तो इसके लिए तो कुछ भी करना चाहिए। यस और नो? यस। ये आईडी है, 14 अगस्त 2013 को काम की शुरुआत की, फर्म का नाम है सिनर्जी बिजनेस ग्रुप। थोड़ा बड़ा, अच्छा, 14 अगस्त 2013 को काम की शुरुआत पूज्य माता जी के नाम से की, और पिछले साल उनका ध्यान होने के बाद ये बिजनेस, बेटे की पिक देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में, एक ही बेटा है परम महाजन, उसके नाम ये बिजनेस ट्रांसफर हो चुका। वीकली पे आउट दिखाएंगे सर, ये वीकली पे आउट ऑनलाइन दिखा रहा हूं मैं आपको, अभी लेटेस्ट आप देख रहे हैं 267 से 276 वीक की इनकम शो हो रही है इसमें, 1,46,649 रुपए एक वीक की इनकम। व्यापार है कभी मंदा कभी तेजी, आपके टर्नओवर पे डिपेंड करता है, राइट? 14,000, 12,000, 54,000, 1,47,000,
14,000, 1,27,000, 56,000, 62,000, 16,000, 1,16,000, 18,000 और आप लास्ट में देख रहे हैं टीडीएस लिखा है। वीकली जो भी इनकम आएगी पक्के की इनकम है सारी टोटल ट्रांसपेरेंसी है। इनकम टैक्स कटेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल है कि आपको जो भी पैसा आ रहा है उसका 5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वीकली आपके अकाउंट में डलता है। है कोई ऐसा बिजनेस जिसमें पैसा आपको अपने आप मिलता हो? करोड़ों लगा के भी लोग 3 से 6 महीने के उधार का मजा लेते हैं। यहां किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई उधार देने की जरूरत नहीं है, टोटली पक्के का पैसा है। हर बुधवार को फिक्स टाइम पर आपके अकाउंट में खट से डलता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इससे बढ़िया और क्या व्यापार होगा? समझ आ रही है बात? तो इस व्यापार की अहमियत को समझो और इसके लिए जो भी करना पड़े जी जान से करो, कमिटमेंट के साथ करो। किसी पे एहसान मत करो कि दोस्त ने कहा तो आ गए, अपने लिए आओ, अपने परिवार के लिए आओ। आज आपको भगवान की कृपा से वो प्लेटफॉर्म मिला है जो किस्मत वालों को मिलता है, और इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, इतने बढ़िया लीडर्स जो कि कमिटेड हैं आपके लिए, आपको कामयाब करने के लिए। कारण क्योंकि आपको इनकम बढ़िया से बढ़िया आएगी तो इन्हें और बढ़कर आएगी, 24 घंटे आपके साथ खड़े। क्लियर बात? अब बात चल रही थी कमिटमेंट की। कमिटमेंट किसे बोलते हैं? कमिटमेंट मींस डूइंग व्हाट यू सेड यू वुड डू, जो कहा वो किया। कमिटमेंट मायने जो भी किसी को कोई भी आपने समय दिया, कहीं पहुंचना है, किसी के कोई काम करने के लिए आपने जबान दी, उसको पूरा करना, उसको कमिटमेंट बोलते हैं। राइट? कुछ भी हो सकता है वो। कमिटमेंट इज वर्किंग विदाउट एक्सक्यूजेस। हर इंसान के पास बहाना होता है। किसी से आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे जब आप इस काम में आएंगे, क्योंकि आपको तो ट्रेनिंग लेने के बाद इसकी क्लैरिटी है। लेकिन शुरू में जो लोग आपके साथ आएंगे, बहुत से लोग तो फोन भी नहीं उठाएंगे, और जब बात करेंगे वो तो चार्जिंग पे लगा हुआ था, घर पे ही है वो, उसकी वाइफ बोल रही है, बच्चे बोल रहे हैं, बच्चा बोल रहा है पापा कह रहे हैं कि वो बाहर गए हुए। बहुत कुछ सुनने को मिलेगा लेकिन कोई फंडा नहीं है कुछ भी आज, क्योंकि उसको इस इंडस्ट्री का विजन क्लियर नहीं है। जिस दिन क्लियर हो गया वही पैर धोके पिएगा। क्लियर बात? हम थैंक्स कर रहे हैं ना। मैं एक 8वें बच्चे का दिल की गहराइयों से धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे एक ऐसी शानदार अपॉर्चुनिटी दी जो कि मुझे इतना पढ़ने के बाद भी नहीं मिली थी। राइट? अच्छी चीज तो जिससे भी मिले ले लेनी चाहिए। तो मैं अभी तक थैंक्स कर रहा हूं क्योंकि मिली है भैया वास्तव में। और आप भी जिसको दे रहे हैं, जब वो भी उसको भांप जाएगा, उसकी क्लैरिटी उसको हो जाएगी, तो लाइफ टाइम गाना गाएगा आपका। राइट? तो कमिटमेंट इज वर्किंग विदाउट एक्सक्यूजेस। यदि वास्तव में आपने इतना कुछ पाना है तो बहाने बना के तो आएगा, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं यदि आप बहाने बना रहे हो। राइट? सीनियर के लिए यदि आप कुछ एक्सक्यूजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैंने रखा तो था, मैं कर नहीं पाया, मैंने जाना तो था इसलिए नहीं जा पाया, क्या यदि आपने इस व्यापार में करोड़ों या 1 करोड़ भी लगाया हो तो ऐसे बहाने बनाएंगे क्या? आई एम रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होता है उसमें। छोटे से लेकर बड़ा काम हर इंसान खुद करता है, वो किसी के पे डिपेंड नहीं रहता कि वो तो आया नहीं जी मैं कैसे करता, वो नहीं आया कैसे करता, नहीं आया तो आप करेंगे। ये सुनो, इस काम की शुरुआत चाहे 1 लाख से करें लेकिन दर्द 1 करोड़ का लेंगे। जो 1 करोड़ से आना था वो आ जाएगा, समुंदर है निकालने वाला चाहिए। राइट? तो एक्सक्यूजेस के बिना आप यदि काम करते हैं तो वो कमिटमेंट है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम आई वांट, इट एंड्स विद आई हैव डन इट। शुरू किससे होती है? डिक्लेरेशन से कि मैं ये करूंगा, और एंड कैसे होता है? अचीवमेंट से, मैंने ये कर दिया। राइट? एक्सक्यूजेस आमतौर पे जो सुनने में मिलते हैं, आई वॉज एक्सपेक्टिंग सो आई सेड, मुझे ऐसा लग रहा था इसलिए मैंने ऐसा कहा। लग रहा था तो कर दिया भाई, लग रहा था तो उसको प्रूव ही करना है वास्तव में कि वास्तव में सही है ये। यदि डिसीजन ले लिया और कुछ बोल दिया, चलो गलत भी है तो कर दो उसको, उसी को सही हो जाएगा।
यदि आप उसको वास्तव में प्रूव कर दोगे तो वो सही हो जाएगा। फैसला लो जिंदगी में, डिक्लेयर करो, वो गलत भी हो सकता है लेकिन उसको जब आप कमिटमेंट के साथ करोगे वही ठीक हो जाएगा। ही शी स्पॉइल्ड द शो, उसने नाश मार दिया मेरा। हम खुद हैं अपने फेलियर के लिए भी और सक्सेस के लिए, ठीक है ना। कोई बाहर से नहीं आएगा आपकी कामयाबी के लिए नाकामयाबी के लिए, हम खुद जिम्मेवार हैं अपनी कामयाबी के लिए अपनी नाकामयाबी के लिए, राइट। माय इंटेंशन वाज क्लियर, क्लियर था तो फिर अचीव करो भाई, वो कहने के लिए वास्तव में क्लियर नहीं है, राइट। आई ट्राइड माय बेस्ट, बेस्ट कहने के लिए वास्तव में बेस्ट होता, हर इंसान को भगवान ने पोटेंशियल दिया है, सभी के अंदर है, उसको बाहर निकालने की जरूरत है। हनुमान जी भी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, जब जामुन जी ने उनको याद दिलाया तो समुद्र लांग गए। तो आत्मा हर इंसान में है, वो परमात्मा का स्वरूप है, उसको जगाना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब आप ठान लेते हैं और बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप जो बोलते हैं वो कर देते हैं, राइट। पोटेंशियल सभी के अंदर है, ऐसा नहीं है कि कुछ चंद लोगों के अंदर है, नियत नहीं होती, वास्तव में वो चाह ही नहीं रहे होते, कहने के लिए बोल रहे हैं दिल से नहीं चाह रहे होते। यस सुनो, आप ही के बीच में से कुछ ने थाईलैंड अचीव किया क्योंकि उन्होंने दिल से चाहा था, मरने मिटने के लिए तैयार थे, कर दिया, चाहे आखिरी डेट को किया कर दिया, लेकिन जो कह रहे थे केवल लेकिन अंदर से नहीं था, उनको सीनियर भी नहीं करा सकता। सही बात है, बजाओ ताड़ी। सवाल ये कोई कहानी हो बच्चों से नहीं रखा है, अरे तो जितना चाहिए सवाल नहीं है बिल्कुल भी। इस बिजनेस में ही दोस्तों कामयाब होना है, पैशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको चाहे कितना भी समझ आ गया, यदि पैशन नहीं है ना तो आपको जो सामने वाले को यदि समझ भी आ गया ना तो आपके साथ तो नहीं करेगा वो कम से कम। जिसके अंदर करंट है और जोश नजर आ रहा है वो उसके साथ ज्वाइन कर लेगा। काम तो करूंगा मैं, तेरे साथ नहीं करूंगा। समझ आ रही है बात, पैशन बहुत ज्यादा जरूरी है, दिखना भी चाहिए। अंदर चाहे कितना भी ज्ञान है उसका कोई फायदा नहीं, पैशन बिजनेस कोई सा भी पैशन में उसका रिजल्ट बेटर हो जाता है, राइट। यस, कमिटमेंट के लिए जो क्वालिटीज है मैंने बताया, करेज, करेज मीन्स साहस, लीड फ्रॉम द फ्रंट, हर जगह आगे नजर आए, लीडरशिप हो आपके अंदर, क्वालिटी है ये कमिटमेंट के लिए। करेज, हर जगह आप नजर आने चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, फ्रंट से लीड करें। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी मीन्स भरोसा, जिस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है उसकी पुरानी फेस वैल्यू काम आएगी। इंटेग्रिटी जो गवर्नमेंट जॉब में है, एक एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में हर एक एम्प्लॉय की लिखी जाती है। इंटेग्रिटी जिसकी डाउटफुल है उसको नौकरी से निकाला जा सकता है। इंटेग्रिटी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंसान की क्वालिटी यानी भरोसे का इंसान है, जो कह दिया वो करता है, राइट। तो ये कमाने में सालों लगते हैं, बनानी पड़ती है। तो कमिटमेंट की क्वालिटीज का पार्ट है इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। आप किसी काम को करना चाह रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, यदि किसी के प्रति आपकी जवाबदेही हो तो उस काम के पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। और आप इसमें इतने खुश नसीब हैं कि आपके लिए कोई सीनियर लीडर अवेलेबल है जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, कामयाब है, तजुर्बे वाला है, आप उसको गोल डिक्लेयर करते हैं डेली और शाम को रिपोर्ट करते हैं कि ये मैंने अचीव किया। कहीं कोई कमी पेशी आई, कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है, वो साथ खड़े और वो शाम को पूछते भी हैं क्या बना भाई, ठीक है। तो आपके मन में रहता है कहीं ना कहीं भैया शाम को रिपोर्ट करना है। एमएनसी में लोग कैसे टारगेट अचीव कर लेते हैं केवल 50-60 लाख रुपए की इनकम के लिए, यहां तो पूरी सात पुश्तों की इनकम का सवाल है दोस्तों।
किसी पे एहसान नहीं है, अपने पे एहसान करने वाली बात है। वो अकाउंटेबिलिटी यदि आपके पास है तो नेचुरली कमिटमेंट और बेटर हो जाएगा, राइट। तो अपना कोई सीनियर लीडर आप डिसाइड करें, उसको डेली अकाउंटेबिलिटी दें, सेल्फ डिसिप्लिन। जो भी काम करना है सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स समय से उसको निपटा दें, जो समय किसी को दिया उस समय पर पहुंचे। टाइम मैनेजमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा समय आप हर जगह बचाएंगे तो नेचुरली काम ज्यादा हो पाएगा। यदि आप खुद ही समय खराब कर रहे हैं, इस बिजनेस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, डुप्लीकेशन। जो भी आप काम करेंगे आपकी टीम में डुप्लीकेट होगा, अच्छा है तो वो अच्छा डुप्लीकेट हो गया, यदि कोई भी कमी पेशी आपके अंदर है तो कोई टीम में डुप्लीकेट हो जाएगी, तो पूरी टीम को जड़ की तरह खत्म कर देगी, दीमक की तरह खा जाएगी। तो पहले तो एक अच्छा इंसान बनना है हमें। इस बिजनेस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि एक अच्छे इंसान बने ताकि लोग आपको पसंद करें, तभी तो आपके साथ आना चाहेंगे, ठीक है। और उसी को आपकी टीम में भी डुप्लीकेट करेंगे लोग, तो नेचुरली कितने गुना काम बढ़ जाएगा, ठीक है बात। बिजनेस का बेसिक प्रिंसिपल डुप्लीकेशन। इसीलिए लाख दो लाख तीन लाख से यदि आप काम की शुरुआत करेंगे तो आपकी टीम में भी ज्यादा लोग आएंगे लाख दो लाख तीन लाख से। यदि आप ही 15,000 से कर रहे हैं तो आपकी टीम में भी 15,000 वाले आएंगे। आपका तो एक ही बार लगा, टीम में मान लो 1,000 लोग आए, कहां तो वो 1.5 लाख से आते, कहां 15,000 से आए, तो 10 गुना बिजनेस हो सकता था आपका, आपने तो एक ही बार लगाया। ये बात समझ नहीं आती लोगों को। यदि काम करना ही है, पैसा नहीं भी है तो कहीं से उठा के कर लो भाई, आपने तो एक ही बार लगाना है ना। आप थूक बजा के तभी बोल पाएंगे जब आपने खुद लगाया होगा। एकांत में बंदा आपका जो खास है वो तो आपसे ये पूछेगा आपने कितने से किया था। यदि आपने 10-15 हजार से किया तो झूठ बोल सकते हैं क्या, बोल भी दिया तो पता चल जाएगा। तो मैंने 3 लाख से काम शुरू किया, मैं भी कर सकता था 30,000 से। 3 लाख से इसलिए किया ताकि मेरी टीम में भी ज्यादा से ज्यादा 3 लाख से 5 लाख से 10 लाख से भी आए, प्रोबेबिलिटी तो बेटर होगी ना। तो सब हम पे निर्भर करता है, जैसा हम चाह रहे हैं बिजनेस में वो पहले हमें खुद करना पड़ता है, राइट। हम करेंगे तो वही डुप्लीकेट होगा। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं कमिटमेंट के। सुधा चंद्रन सुना है ना, इनका आर्टिफिशियल लिम्ब था, जिसके पैर हैं वो भी कतराते हैं डांस करने से, और इनका तो पैर भी नहीं था और इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया नाचने में, तो कमिटमेंट के कारण ही हो पाया ऐसा। जब ठान लिया कि मुझे रिकॉर्ड कायम करना है तो पैर ना होते हुए उन्होंने वो कर दिखाया। अरुणिमा जी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया आर्टिफिशियल लिम्ब के बेस पर। तो एक से एक एग्जांपल पढ़े। मदर टेरेसा पूरी जिंदगी शांति के लिए लड़ाई लड़ी इन्होंने, युद्ध विरोधी रैली में कभी नहीं गई, पूरे वर्ल्ड में शांति का प्रचार किया, पूरी जिंदगी इसमें लगा दी। महात्मा गांधी 50 किलो वजन का इंसान, ठान लिया जब ट्रेन से उनको नीचे गिराया गया अंग्रेज के माध्यम से, तो उस दिन उन्होंने कमिटमेंट लिया कि आज जैसे तूने मुझे धक्का दिया है ट्रेन से, ऐसे मैं आपको अपने देश से धक्का दूंगा। कमिटमेंट लिया तो कर दिया, पूरे देश को अपने साथ लगाया, कमिटमेंट के कारण ही हो पाया। क्या देखने से लगता था कि ये कर पाएंगे कभी, यस और नो? न्यू मदर्स अभी बताया गया था कि बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन रहती है प्रसव के दौरान, जब डिलीवरी रहती है 9 डेसिबल से ज्यादा पेन यदि हो तो डेथ हो सकती है, लेकिन 20 डेसिबल तक का भी पेन खुशी खुशी एक माँ सहन कर लेती है, क्योंकि उसे खुशी होती है कि मैं माँ बनने जा रही हूं। सब कमिटमेंट के कारण ही है। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने कोट किया आपको। एवरी सिंगल इंडिविजुअल कैन मेक द डिफरेंस। सब ठानने पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल सभी के अंदर, जो ठान लेता है कमिटमेंट के साथ उस चीज को लागू करता है वो अचीवर होता है। ये सुनो, किसी भी फील्ड में हो ऐसे ऐसे एग्जांपल जिनके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये अचीवर हो सकते हैं, लेकिन अपने कमिटमेंट के बलबूते पर वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं और करके दिखाते हैं। टू गेट समथिंग विच वी हैव नेवर गॉट, वी विल हैव टू डू समथिंग विच वी हैव नेवर डन। कुछ
हटके चाहिए तो काम भी तो कुछ हटके करना पड़ेगा, जो आज तक नहीं किया वो करना पड़ेगा। चाहिए आपको तो सीख के जो जो आज जाएंगे आप उसको फील्ड में लागू करना पड़ेगा, कमिटमेंट के साथ उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। वक्त लगेगा, इंडस्ट्री है, कम से कम 5 साल लगेंगे। जो 5 साल टिकेगा, लगातार सीखेगा और अपनी टीम को साथ लेकर चलेगा, सिखाएगा। जैसे मुझे आज 3 लाख प्लस की इनकम आ रही है, उन सबको 3 लाख तो क्या उससे भी ज्यादा आ सकती है, कारण क्योंकि हमारे टाइम में ऐसी ट्रेनिंग्स नहीं थी। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको काम शुरू करते इस प्रकार की एजुकेशन मिल रही है, ठीक है बात। हमारे टाइम में तो सारा जंगल था, हमने वो साफ किया, अब तो एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है। हाँ, फायर का टोल है जो 3500 रुपए वो देना पड़ेगा, लेकिन जो 5 साल लगे हमें वही अचीवमेंट आप 3 साल में कर सकते हैं, राइट। और चॉइस ऑफ कमिटमेंट, आज हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, ज्यादातर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं क्या, कहीं ना कहीं 10-15 हजार की नौकरी, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, बेंगलोर, पुणे, बीटेक कर लो, कोई भी एजुकेशन ले लो भी 10-15 हजार से शुरुआत होती है, लगातार डटे रहते हैं तब जाके कहीं 40-50 हजार पे 8-10 साल में पहुंचते हैं, राइट। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है क्या गुजारा हो जाएगा कि? एक तो ये प्लेटफॉर्म है जो कि रूटीन में लोग फॉलो कर रहे हैं, दूसरा बाप दादा का भाई खेती है, आगे आगे जमीन घटेगी या बढ़ेगी, प्लास्टिक तो है नहीं। एग्रीकल्चर समय रहते वो आप नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगी, पूरा परिवार ही लगा हुआ है एग्रीकल्चर में, वो तो भैया एक आदमी कर लेगा वैसे ही अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात है, बोला क्या है मैं भी खेती में हूँ, वो तो पिताजी कर लेंगे भाई, ठीक है ना। कुछ नहीं काम है आप नहीं भी करोगे तो परिवार से कोई ना कोई उस काम को संभाल लेगा, वैसे टाइम पास कर रहे हैं, आगे ये बढ़ने वाला नहीं है, जो चल रहा है उतना ही रहेगा। तीसरा आप देख ही रहे हो माय लाइफस्टाइल, आज आप सौभाग्यशाली हैं कि इस प्लेटफॉर्म में आप आ चुके हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा सीखो, विजन क्लियर करो और कमिटमेंट के साथ आने वाले 5 साल के साथ, मतलब एक बार कमिटमेंट कर ली तो इसकी भी नहीं सुननी, जितने भी कामयाब लोग हैं ना जब एक बार कमिटमेंट कर दी, डिसीजन ले लिया, फिर इसकी भी नहीं सुनते, क्योंकि जब फील्ड में उतरेंगे तो तरह तरह के लोग मिलेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, ऐसे ऐसे जिसको थप्पड़ मारने को भी दिल नहीं करता वो भी उल्टा सीधा बोल जाएगा, लेकिन तरह तरह के विचार आएंगे, बोला कहां मंगा ले लिया, छोड़ यार इसको, फिर इसकी भी नहीं सुननी, या तो फैसला ही नहीं करना था, कर लिया तो करके दिखाना है। अचीवर्स की वैल्यू है, जो कामयाब नहीं होते उसको तालियां बजाते हैं लोग, बोला कहा था ना ये काम नहीं चलते, तो काम तो इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि हमने खुद हार स्वीकार की। यदि आप हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है, एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैंने अचीवर बनना ही बनना है, किसी को 6 महीने कम लगेंगे, किसी को ज्यादा लगेंगे, जो टिका रहेगा वो 100% कामयाब होगा, खोने के लिए तो इसमें कुछ है ही नहीं। विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन, जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं, छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। जितने भी जिंदगी में दुनिया में कामयाब लोग हैं वो जब तक कामयाब नहीं हुए तब तक टिके रहे, डटे रहे, कमिटमेंट के साथ काम करते रहे, आप भी हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैदान छोड़कर भागने की जरूरत है, तो आपको अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज फिक्स करनी है, जो कि माय लाइफस्टाइल एक समुंदर है, आप जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो अभी सपने नहीं भी हैं, वो सब अचीव कर सकते हैं, आप पे निर्भर करता है। जब 40-50 लाख रुपया एक महीने का लोग इससे कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते भाई, वो कीमत देनी पड़ेगी तो वो दे रहे हैं, क्लियर। बहुत से लोगों ने करके दिखाया है, उनको फॉलो ही तो करना है, दिमाग का बिजनेस नहीं है ये, दिल का बिजनेस है। जिसके साथ आए, डट कर आए मैदान में, आपको कामयाबी शर्तियां मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, आपने डायमंड बनना है, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है, मिड टर्म गोल हो सकता है आपका NTC बनना, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है आपका DTC, डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर। तो ये जो भी अचीवमेंट आप लाइफ में पाना चाहते हैं उसके लिए कोई डेट तो रखनी पड़ेगी, रिवर्स कैलकुलेशन रहता है हमेशा गोल रखते हुए, और उस डेट को, उस रैंक को अचीव करने के लिए आपको मंथली गोल भी रखने होंगे,
वीकली गोल भी रखने होंगे और वो वीकली गोल अचीव करने के लिए डेली गोल भी रखने होंगे, राइट। गोल रख के यदि आप काम करेंगे तो बहुत समय बचेगा आपका, और आप गोल रखेंगे तो आपकी टीम में भी लोग गोल रखेंगे, डुप्लीकेट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया या नहीं होगा। लेकिन यदि आप ही तरीके से काम नहीं करेंगे तो वही गलत तरीका आपकी टीम में भी डुप्लीकेट होगा। डुप्लीकेशन है इस बिजनेस का बेसिक प्रिंसिपल। तो अच्छी चीजें आप खुद सीखें और लागू करें, और अपनी टीम को आप तभी करा पाएंगे जब आप खुद कर रहे हैं, क्योंकि इंसान की बात तभी सुनी जाती है जब वो खुद कर रहा होता है। जो करते हैं वो डुप्लीकेट होता है टीम में, ना कि जो कहते हैं, राइट। पहले करके दिखाना पड़ेगा। कंक्लूजन क्या निकला? कमिटमेंट इज एन असर्टिव डिक्लेरेशन टू सेल्फ और एसोसिएट्स बिफोर विच यू कैन जंप एज मच एज यू कैन। अब कोई भी चीज आपने डिक्लेयर करनी है, आपको तो ज्ञान नहीं है विषय, तो अपने सीनियर के साथ बैठ सकते हैं। कोई डेट आपने फाइनलाइज करने है कि ये रैंक मुझे अचीव करना है, जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं उनको तजर्बा है कि ये करना पड़ेगा, उसके लिए रोड मैप तैयार करें, डिस्कस करें, चर्न करें, अपना समय देखें कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस समय के अकॉर्डिंगली तो डेट डिक्लेयर करनी पड़ेगी आपको। और उसके बाद जो डेट डिक्लेयर कर दी, फिर उसके बाद इसकी टीम शुरू, उसको हर हालत में अचीव करना है एट एनी कॉस्ट। ये कमाई यदि आप करोगे तो आपकी टीम में भी डुप्लीकेट होगा, बहुत तेजी से बिजनेस आपका मल्टीप्लाई होगा। ये सब निर्भर करता है कमिटमेंट पर। डिक्लेयर करें जो भी आप करना चाहते हैं और उसको अचीव करके सेलिब्रेट करें। वंस डिसिसिवली डिक्लेयर्ड इट शुड बी मीट विद एट एनी कॉस्ट। बताया मैंने आपको, बोलने से पहले हजार बार सोच लो, और एक बार बोल दिया फिर इसकी भी नहीं सुननी, फिर उसको अचीव करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। गदर फिल्म देखी है, क्या था उसमें? पाकिस्तान के लिए वीजा नहीं मिल रहा था, उसको क्या बोलता है, पासपोर्ट पर ठप्पा नहीं लगेगा तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, गया। कमिटमेंट ऐसे होता काम। थैंक यू वेरी मच। ओके सर।